हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे चुकंदर का सूप बनाने के बारे में। आज हम आपको बताएंगे चुकंदर गाजर मिक्स सूप बनाने के बारे में। हमने लिए हैं एक चुकंदर, उसे कद्दूकस कर लिया है, आधा गाजर को कद्दूकस किया है और एक मीडियम साइज के टमाटर को कट किया है। चलिए बना के दिखाते हैं आपको टेस्टी और हेल्दी फूड। सबसे पहले हमने बर्तन में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 7 से 8 लौंग, कूटी हुई काली मिर्च लगभग आधा चम्मच से कम। ये फ्लेवर के हिसाब से डालिएगा, आपको ज्यादा कड़वा पसंद हो तो आप बढ़ा और घटा सकते हैं, कम पसंद हो तो इसे और मामूली डाल सकते हैं, 2 से 3 पिंच काली मिर्च को। और गाजर, अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे ऐसे ही हम बॉयल होने देंगे, कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही हमें बॉयल करना है। देखिए दोस्तों, हमारे सूप में कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा सूप पक चुका है, लेकिन हमें जो टोटल समय लगा है इसे पकाने में वो 8 मिनट लगा है। तो सारी चीजें हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करने जा रहे हैं। देखिए, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब कम से कम 2 से 3 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, बहुत ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट इसे ठंडा होने देंगे, इसके बाद में इसे छान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सूप को ठंडा होने के लिए रख दिया। अब चलिए बताते हैं आपको कि आगे हमें क्या करना है। हमने लिया कांच का एक बाउल, अब हम रखेंगे इसमें छन्नी जिससे हम आटा चालते हैं, उसे रखना है हमें, बहुत बारीक छन्नी हमें नहीं रखनी है। अब इसमें हम सूप को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। चलिए दिखाते हैं कैसे करना है आपको। इस तरह से आपको इसमें डालना है, बहुत ही आसानी से आपका पूरा सूप छन जाएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। इतना ही नहीं, आगे भी बहुत सारी चीजें करनी है इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अब जो हमने ये डाला है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे दबाएंगे आप, नीचे की तरफ जो बचा हुआ जूस है इसमें वो भी छन जाएगा। इस तरह से सारे प्रोसीजर आप करिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारा जो सूप है अच्छे से छन के रेडी हो गया है। चलिए बताते हैं और क्या करना है। देखिए, हमारा सूप अभी गर्मा गर्म है। इस सूप को जिस बर्तन में हमने बनाया है उसी बर्तन में फिर से डाल देना है। अब जो सूप हमने छान के रखा था उसे गैस की फ्लेम पे हमने रख दिया है, उसी बर्तन में जिसने हमें सूप रेडी किया था, जिस बर्तन में। अब इस सूप जो है, देखिए, अब हम लेंगे मक्के का आटा 2 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में इसे अच्छे से हमें फेंटना है, मतलब एक पेस्ट तैयार करना है। फेंट के कम से कम 5 मिनट तक फेंटिएगा। 2 चम्मच मक्के का आटा था तो 2 चम्मच हमने इसमें पानी ऐड किया था। इसके बाद देखिए, इस तरह से पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सूप में इसको, ताकि जो हमारा सूप है थोड़ा गाढ़ा बने और लंबे समय तक हमारे शरीर में एनर्जी मेंटेन रहे। तो ये सूप बना के आप पीजिएगा जरूर। मक्के के आटे का पेस्ट डालने के बाद में इसमें 2 से 3 उबाल हमें लाना है। देखिए, हमारे सूप में उबाल आना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों, फुल फ्लेम पे 2 से 3 उबाल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तैयार हमारा गर्मा गर्म सूप। आप इस तरह से बनाकर पी सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये जितनी ठंडी होगी उतनी ज़्यादा गाढ़ी होगी, क्योंकि हमने मक्के का आटा यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें अलग से मसाले ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मसाले क्या ऐड करेंगे हम। भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ काली मिर्च पाउडर, या लास्ट में आप लेमन के जूस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत ही हेल्दी बनाया है, तो आप इस तरह से भी पी सकते हैं। अगर आपका मूड चेंज हो, थोड़ा चटपटा खाने का मन हो, तो आप मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा तरीका, हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही आसान आसान रेसिपी लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।